वेलकम टू माई चैनल फार्मा केयर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फ्रीज ड्रायर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रायर इन दी फार्मास्यूटिक्स। सो हेयर वी बिगिन। टॉकिंग अबाउट दी प्रिंसिपल, व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द फ्रीज ड्रायर। सबसे पहले बेसिक प्रिंसिपल यही है कि इन द फ्रीज ड्राइंग प्रोसेस इज द रिमूवल ऑफ द वाटर वेपर फ्रॉम द फ्रोजन सॉल्यूशन बाय सब्लिमेशन। इसमें क्या होता है कि पहले तो बेसिक ड्राइंग का मतलब क्या होता है, ड्राइंग का मतलब होता है कि वाटर वाटर का रिमूवल फ्रॉम एनी सब्सटेंस, ठीक है, बाय द सप्लाई ऑफ अ हीट, ठीक है। उसके बाद सब्लिमेशन का मतलब होता है कि किसी भी सॉलिड स्टेट से सीधा गैस में कन्वर्ट होना, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि फ्रीज ड्राइंग में क्या होता है, हम फ्रोजन सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन होगा उसको पहले जमाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे उसमें से वाटर निकालेंगे। वाटर निकालते किससे हैं हम, सब्लिमेशन से, है ना। इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन ड्राइंग प्रोसेस या फिर लायोफाइलेशन। सेकेंड पॉइंट वो बोल रहे हैं, इन दिस प्रोसेस द मटेरियल इज फ्रोजन इन अ सूटेबल कंटेनर कनेक्टेड टू अ हाई वैक्यूम सिस्टम सो दैट अ वेपर प्रेशर ऑफ अ वाटर इज रिड्यूस लेस देन दैट ऑफ अ मटेरियल बीइंग ड्राइड। अब इसमें क्या करते हैं, हम मटेरियल को क्या करते हैं, जमाते हैं, फ्रोज कर देते हैं एक सूटेबल कंटेनर में, फ्रोज कर देते हैं जो कि कनेक्टेड है हाई वैक्यूम से। हाई वैक्यूम सिस्टम इसलिए अप्लाई करते हैं ताकि जो वेपर प्रेशर है वाटर का वो रिड्यूस हो जाए, किससे, मटेरियल जो हमें ड्राई करना है उससे भी कम हो जाए। अब वैक्यूम सिस्टम का एक और काम है कि वो रिड्यूस कर देता है टेम्परेचर को और प्रेशर को बिलो द ट्रिपल पॉइंट से भी कम कर देता है। अब ये कंडीशन हमें हेल्प करेगी कि इन दिस कंडीशन एनी हीट ट्रांसफर्ड इज यूज्ड एज लेटेंट हीट, ठीक है, जिसकी वजह से आई सब्लिमाइज डायरेक्टली टू द वेपर फेज। अभी जो भी हीट इस कंडीशन में दी जाएगी, ट्रिपल पॉइंट से कम है टेम्परेचर और प्रेशर दोनों के दोनों, ठीक है, अब इसमें जो भी हीट हम प्रोवाइड करेंगे वो क्या करेंगे, लेटेंट हीट की तरह प्रोवाइड होगी जो कि आइस डायरेक्टली सब्लिमाई हो जाएगी फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू डायरेक्ट टू द वेपर फेज, जिसकी वजह से वाटर रिमूव करेंगे, वाटर रिमूव हो जाएगा। वाटर वेपर इज रिमूव फ्रॉम द सिस्टम बाय कंडेंसेशन इन अ कंडेंसर मेंटेन एट अ टेम्परेचर लोअर देन दैट ऑफ फ्रोजन। जो फ्रोजन मटेरियल है ना उससे भी कम टेम्परेचर होता है कंडेंसर के अंदर। अब जो वेपर फेज में गए हैं वाटर वेपर, वो क्या करेंगे, हम कंडेंस कर लेंगे थ्रू द कंडेंसर की मदद से, ठीक है। अबाउट द कंस्ट्रक्शन, बेसिक कंस्ट्रक्शन क्या होती है फ्रोजन पॉइंट की, फ्रोजन फ्रीज ड्रायर की, वो हम पढ़ेंगे इस वाले टॉपिक में, ठीक है। सबसे पहले आप देख लो ये डायग्राम होता है, सबसे पहले इसमें क्या होता है, ये एक कंटेनर होता है जिसको हम वायल्स 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 या बॉटल्स या एम्प्यूल्स कुछ भी ले सकते हैं, जिसके अंदर मटेरियल पड़ा रहता है जिसको हमें ड्राई करना होता है, ठीक है। ये मटेरियल पड़ा हुआ है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, पहले फ्रोज कर लेंगे, वो मैं वर्किंग आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। इसको फ्रीज कर लेंगे, ये जो नीचे नीचे है ये है आपका रेफ्रिजरेटर और हीटेड शेल्फ, ठीक है, उसके साथ लगा हुआ है कंप्रेसर, ठीक है। नीचे इससे कनेक्टेड है कंडेंसर जो कंडेंस करेगा वेपर जो भी होंगे, इस ये साइड में लगा हुआ है इसके कंप्रेसर, साइड में इसके वैक्यूम लगा हुआ है, सबसे पहले इसमें होता है। फ्रीज ड्रायर आर कंपोज्ड ऑफ द फॉलोइंग बेसिक फोर बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं इसमें। सबसे पहले कंपोनेंट होता है चैम्बर फॉर अ वैक्यूम ड्राइंग, वैक्यूम ड्राइंग के लिए चैम्बर बना होगा, ठीक है, वैक्यूम सोर्स होगा, वैक्यूम पंप लगा होगा मतलब सोर्स, ठीक है। थर्ड इज हीट सोर्स, हीट सोर्स दे रखा है हमने नीचे जो बॉटल्स है वायल्स है उसके नीचे हीट सोर्स दे रखा है। उसके बाद है वेपर रिमूव सिस्टम एज अ वैक्यूम पंप एज अ स्टीम इजेक्टर, वेपर रिमूवल सिस्टम यहाँ पे होगा, कंप्रेसर काम करता है वेपर रिमूवल सिस्टम या स्टीम इजेक्टर की तरह। टॉकिंग अबाउट दी वर्किंग, मेन जो काम होता है या फिर क्या काम किस तरह काम करता है फ्रीज ड्रायर, जो भी वो वर्किंग हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं हम, प्री ट्रीटमेंट। प्री ट्रीटमेंट बहुत एक इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट स्टेप होता है वर्किंग ऑफ
किसी भी सॉल्यूशंस को ड्राई करने के लिए इन द फ्रीज ड्रायर प्री ट्रीटमेंट करी जाती है। दिस स्टेप इज डन टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन टू इंट्रोड्यूस इनटू द कंटेनर विच हैज़ अ लिमिटेड कैपेसिटी। अब ये क्या करते हैं, इस स्टेप को इसलिए करते हैं क्योंकि जो पिछले पिछली जो स्टेप में देखा था कंस्ट्रक्शन में, कि जो वायल्स हैं या बॉटल्स हैं उनकी जो उनकी लिमिटेड कैपेसिटी होती है, इसलिए हम प्री ट्रीटमेंट करते हैं ताकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो कम हो जाए। ठीक है, दिस इज प्री कंसनट्रेटेड अंडर अ नॉर्मल वैक्यूम ट्रे ड्राइंग। वैक्यूम ट्रे ड्राइंग की मदद से हम प्री कंसनट्रेट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो सॉलिड या लिक्विड होता है उसको वो क्या करता है, उसकी मतलब वॉल्यूम कम हो जाती है, जिसकी वजह से हम आसानी से जो वायल्स है बॉटल्स में उसमें मतलब डाल सकते हैं उसमें। ठीक है, कुछ हम या तो नॉर्मल वैक्यूम ट्रे ड्राइंग से मतलब कर सकते हैं, या फिर हम सॉलिड या लिक्विड डेसिकेंट, डेसिकेंट होता है जो मॉइस्चर कंटेंट को एब्जॉर्ब करता है किसी भी सब्सटेंस में से, उसको बोलते हैं डेसिकेंट्स। ठीक है, इस दिस रिड्यूस द एक्चुअल ड्राइंग। एक्चुअल ड्राइंग मतलब 8 से 10% या एक्चुअल ड्राइंग कम कम कर देता है। अब आता है प्री फ्रीजिंग। सबसे पहले प्री फ्रीजिंग करते हैं, जो भी सॉल्यूशन होगा उसको सॉलिडिफाई करेंगे, हम सॉलिडिफाई करेंगे वाइल्स में, बॉटल्स में या फिर एम्प्योल्स में। ठीक है, किस में करेंगे, 50 डिग्री सेल्सियस के में तक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद होता है प्राइमरी ड्राइंग। प्राइमरी ड्राइंग इसमें क्या करते हैं हम, द मटेरियल टू बी ड्राइड इज स्प्रेड इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सरफेस एरिया और फॉर द सब्लिमेशन। अब इसमें सब्लिमेशन करा जाता है, जो भी तुम्हारा सब्सटेंस है वो सॉलिडिफाई हुआ है उसको हम ट्रे के ऊपर हम स्प्रेड कर देंगे, ताकि हमारा जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाए सब्लिमेशन के लिए। अब जो टेम्परेचर है और प्रेशर है उसको हमें क्या करना है, वैक्यूम अप्लाई करने के बाद क्या करना है, ट्रिपल पॉइंट से कम लाना है, और वाटर के लिए ट्रिपल पॉइंट होता है 0.0098 डिग्री सेल्सियस, एंड प्रेशर होता है 4.58 mmHg फॉर सब्लिमेशन ऑफ वाटर। अब क्या करना है, हीट सप्लाई करनी है हमें, टेम्परेचर और प्रेशर को ट्रिपल पॉइंट के नीचे ले आए हम, अब क्या है हीट सप्लाई करेंगे। हीट जो भी सप्लाई होगी वो लेटेंट हीट के रूप में सप्लाई होगी, और जो सॉलिडिफाई आइस होगी वो डायरेक्टली सप्लीमाई हो जाएगी किसके अंदर, वेपर्स में, और इस प्रोसेस के अंदर 90 to 99% मॉइस्चर कंटेंट रिमूव हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होता है सेकेंडरी सेकेंडरी ड्राइंग। द मॉइस्चर लेफ्ट इन द प्राइमरी ड्राइंग इज रिमूव इन बाय एन ऑर्डिनरी वैक्यूम ड्राइंग। जो मॉइस्चर अब 90 to 99% प्राइमरी ड्राइंग में चला गया है, बट सेकेंडरी ड्राइंग इसलिए करते हैं कि जो मॉइस्चर बचा है वो इस वाले स्टेप में कर देते हैं, हम रिमूव कर देते हैं। प्राइमरी मतलब ऑर्डिनरी वैक्यूम ड्राइंग्स यूज कर सकते हैं हम इसमें, और ये 50 to 60 डिग्री सेल्सियस तक मतलब ले जाते हैं ताकि मॉइस्चर कंटेंट लगभग सारा खत्म हो जाए, और ये सेकेंडरी ड्राइंग कम से कम 10 to 20 आवर्स ले जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है पैकिंग। नाउ ड्राइड प्रोडक्ट इज पैक्ड अंडर अ कंट्रोल कंडीशन वेयर अ लोअर अमाउंट ऑफ कंटेमिनेशन इज प्रेजेंट। अब तुम्हें जो भी तुम्हारा ड्राइड प्रोडक्ट है उसको क्या करना है, तुम्हें ऐसे एनवायरनमेंट में पैक करना है जहाँ पे कंटेमिनेशन बहुत कम हो, क्योंकि स्टेराइल प्रोडक्ट्स भी हम ड्राई कर सकते हैं इसमें। एम्प्योल्स एंड वायल्स आर पैक्ड इन अ पार्टीशन कार्डबोर्ड टू प्रिवेंट द ब्रेकेज। अब जो एम्प्योल्स और वायल्स हैं उनको हमें क्या करना है, एक पार्टीशन कार्डबोर्ड होते हैं ऐसे कार्डबोर्ड में, उसके अंदर पार्टीशंस बने होंगे, उसके अंदर वायल्स रखे जाते हैं, वायल्स रखे जाते हैं, वायल्स रखे जाते हैं। ठीक है, अबाउट द एडवांटेज, क्या एडवांटेज है इस फ्रीज ड्राइंग प्रोसेस के, सबसे बड़ा एडवांटेज है हीट सेंसिटिव मटेरियल को हम ड्राई कर सकते हैं इसमें, क्योंकि टेम्परेचर बहुत लो होता है, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं जाता, तो इसलिए हीट सेंसिटिव मटेरियल्स जो होते हैं उनको ड्राई कर सकते हैं। सेकेंड है लॉस ऑफ वॉलेटाइल मटेरियल, जो होगा वो बहुत मिनिमम होगा, वॉलेटाइल मटेरियल्स को हम मतलब उड़ नहीं सकते क्योंकि बहुत एनक्लोज्ड एनक्लोज्ड होता है पूरा ये। ठीक है, स्टेराइल प्रोडक्ट्स को मेंटेन कर सकते हैं क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम है, तो स्टेरिलिटी भी मेंटेन कर सकते हैं, कंटेमिनेशन नहीं होगा क्योंकि एनक्लोज है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑप्टेन इज लाइट पोरस, लाइट होगा, पोरस होगा मटेरियल।
क्या है इस प्रोसेस के, कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं इस प्रोसेस के। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, सबसे और बेकार डिसएडवांटेज, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बहुत है, क्योंकि जो सेकेंडरी प्रोसेस है वो अकेला 10 से 20 घंटे ही लेता है, इसलिए टाइम कंज्यूमिंग बहुत है। इसको बहुत ही कम यूज़ करते हैं, बट करते हैं क्योंकि बहुत अच्छा भी है ये, ठीक है। एक्सपेंसिव है, प्रोडक्ट ऑप्टेंड इज वेरी हाइग्रोस्कोपिक, बहुत हाइग्रोस्कोपिक होता है, बहुत मॉइस्चर मतलब होता है हाइग्रोस्कोपिक। तो पैकेजिंग स्पेशल प्रिकॉशंस रिक्वायर करते हैं, मतलब जब हम पैकेजिंग करते हैं इसकी तो स्पेशल प्रिकॉशंस लिया जाते हैं ताकि उसमें कंटेमिनेशन ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल फार्मा केयर। थैंक यू सो मच।